तो है गाइस, बैक टू माय चैनल द तेजपुर व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, होप करते सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहे ना। तो गाइस मतलब इससे ऐसा क्या हो गया कि दो दिन मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन आपको शायद एक ही दिन मिलेगा क्योंकि एक दिन में व्लॉग बना के लास्ट में छोड़ दिया था। मतलब वैसे तो दो दिन नहीं बनाया, पर कोई नहीं, आपको एक ही दिन गैप मिला होगा, बीच में शायद एक दिन मिला होगा, ये पता नहीं मैं कब मतलब वो कर लोच पोच हो जाता है ना। और आज निकला है ये गाड़ी अपना, और इसका निकलने का कारण बहुत खतरनाक है यार। बोले वो अपना ब्लैक वाला जो एक्टिवा है वो गया है सर्विस होने, और अपना महिंद्रा डोरो है नहीं, और ये है। और क्या हुआ इसके साथ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक महीने से क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि एक महीने से इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया था, मतलब चलाया नहीं था। पापा का एक्सीडेंट होने के बाद मैंने इसको चला ही नहीं था एकदम एक महीना, और एक महीना इधर था गाड़ी, ठीक है इधर था। तो ये जो नीचे देख रहे हो ना, ऐसा हाल किसने किया, स्कूटी नहीं किया, मतलब हम लोग का स्कूटी नहीं किया, मतलब इसका कुछ दोस्त नहीं, दोस्त तो हम लोग का ही है, हम लोग चलाता नहीं था इसको। तो बात ऐसा हुआ है कि चलते हैं, मतलब बहुत ही नहीं चलाया ना, तो बिना चलाने की वजह से ये पूरा अंदर जो फ्यूल है ना, फ्यूल डिग्गी मतलब इधर जो फ्यूल वो है ना, मतलब जहाँ पे हम लोग तेल का होता है ना, उधर पूरा गैस हो गया, मतलब पेट्रोल पूरा गैस बन गया, पेट्रोल जो था। फिर इधर से कहीं से पूरा लीक कर रहा है, ये पाइप जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पाइप ठीक है, ये वाला पाइप से पूरा गिर रहा है, वो भी रात के 12 बजे, ठीक है। हम लोग डर गए। अब डरने का बात है ना, रात कौन आया, ये रात के 12 बजे तो कोई भी डर जाएगा, पेट्रोल का वो आ रहा है, स्मेल आ रहा है, मतलब क्या ही बोले, ऐसा हो गया था, ये पेट्रोल का साइन मार रहा है, और क्या बोलते हैं पूरा सेंट आ रहा है पेट्रोल का। रात के 12 बजे पहले सोचे मैं ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि भाई ये थोड़ा पहले समझना होगा ना क्या होगा। फिर हम लोग बाहर आके देखे तो भाई, क्योंकि टैंकी पापा हमेशा फुल करके रखा था, और जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले ही टैंकी फुल हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद गाड़ी चला ही नहीं बिल्कुल, मतलब एक महीने से ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट तो मैंने उस दिन दिया था बीच में, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक उधर से ही बंद था, पूरा डिग्गी पेट्रोल फुल था। आप लोगों को पता ही होगा, ये देखिए इधर से ना पूरा लीक कर रहा था, और क्या बोलते बहुत। फिर सुबह सुबह मैकेनिक आया, फिर इसको थोड़ा देखा, क्योंकि रात को भाई हम लोग इतना डर गए थे। और अभी दिखाता हूँ थोड़ा चाबी ला के, और क्या बोलते हैं फ्यूल भी दिखाता हूँ अभी कितना है, आज ही का था बात। और इधर पूरा, अरे इधर भाई पूरा भर गया था फ्यूल, इधर गाड़ी रुका हुआ था, आप शायद ये देखिए कलर से समझ जाएंगे, ये देखिए वीर इसको मोच दिया, ये आपको इधर से समझ आ जाएगा, उधर से भी समझ आ जाएगा, और आपको देख के पता चल जाएगा कि ये भीजा है, ठीक है। वैसे अभी तो सूख गया है ना, सूख गया, ये पूरा पेट्रोल है जो दिख रहा है ना, ये पूरा पेट्रोल है, ये वाला ये चीज़, ये देखिए जिधर लाइटिंग कर रहा है ना वो वाला, देखिए ये चीज़ लाइट कर रहा है ना ये वाला, वैसे ये वाला पूरा पेट्रोल गिरा था। तो अभी दिखाता हूँ फ्यूल में कितना हुआ, नीचे से समझ रहे ना इतना डेंजर हो गया था, मतलब फ्यूल निकल रहा है, पूरा फुल टैंक था पूरा। अभी स्कूटी का डिग्गी मतलब ऐसा क्या चलाता नहीं है, अंदर जो फ्यूल था भाई वो गैस बन गया था भाई, क्या हुआ था एकदम गैस बन गया था, और ऊपर से आ नहीं, ढक्कन लगा हुआ है। और दिखाता हूँ पहले चाबी लगते हैं, चाबी की जगह चाबी ये रहा मतलब अभी इसको भी अभी आया लोकल से, क्या बोलते हैं लोकल से मैकेनिक आया, वो थोड़ा ठीक किया, और हम लोग का भी एक्टिवा ब्लैक वाला तो सर्विस तो नहीं गया। फिर ये सुबह नहीं, रात को नहीं आया, सुबह आया, सुबह जाके बुलाया, तो फिर आया, आप लोगों को दिखाता हूँ फ्यूल कितना है अभी कुछ दिन। ये देखिए देखिए पूरा मतलब डिग्गी भी खोल के दिखा लेते हैं, मतलब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये इधर से तो ये निकलेगा नहीं, इधर से ये निकलेगा नहीं, अंदर है नहीं कुछ, थोड़ा थोड़ा है, और भाई फिर भी निकल रहा है, पता नहीं गैस क्या हो रहा है, थोड़ा मोच लेते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। फिर इधर से तो निकलेगा नहीं, इधर से ये वाला पाइप से पूरा निकला, इधर से कहीं से निकला, और भाई साहब अभी इसको भी थोड़ा सर्विस में जाएगा शायद, क्या हो गया ना इसकी वजह से, एक बार एक सर्विस तो इसको वैसा सर्विस तो किया हुआ है भाई, स्क्रैच कैसे लग जाए यार। और बहुत दिनों बाद मतलब इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि एक चाबी ले लेता हूँ पहले, भाई क्या ही खतरनाक हो गया था इसका हल, चाबी को निकाल देते हैं अभी तो, वैसे अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है,
और तब स्टार्ट करना भी सेफ नहीं था रात को या कुछ ऐसे। ठीक है अभी कोई नहीं, ठीक हो गया। अभी इसको क्यों निकाला? क्योंकि हम लोग का डोरो है नहीं और ये हम लोग का ब्लैक वाला गाड़ी, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए ये आज ये जो इस इंसिडेंट हुआ है वो आज नहीं हुआ है, वो कल 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 रात को हुआ है। कल रात को ऐसा हाल हुआ है कि कल सुबह कल नहीं परसों रात को ऐसा हुआ है। तो जो फ्यूल का प्रॉब्लम दिया है जो निकला है मतलब नीचे से निकला है वो परसों रात को हुआ है। ठीक है करीब परसों रात हुआ है और कल सुबह हम लोग का ब्लैक वाला स्कूटी वो गया है सर्विस करने, सर्विस में जाके दे के आया हूँ और अभी इसको निकाला हूँ। मतलब चलाया नहीं, बस उसको घर से निकाला है, चलाने का भी पता नहीं भाई। इसको देखते क्या होता है, फ्यूल है नहीं देखा आपने, इसको एक सर्विस तो देना ही होगा, मतलब लेके जाएंगे पता नहीं भाई। अगर आप लोग गाड़ी को कम चलाते तो भाई मेरे को अभी पता चला है, मतलब वैसे पता तो था पर इतना भी नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया था ऐसा कुछ होता है गैस बन जाता है। तो एक महीने से एकदम फुल टैंक था, थोड़ा थोड़ा चला है। पापा के एक्सीडेंट होने के बाद एक बार शायद हॉस्पिटल गया था इसको लेके और फिर सीधा के घुसाया घर और फिर कभी नहीं निकाला इसको। और उस दिन बीच के एक दिन बस इसको स्टार्ट किया, वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा, चौक खींच के स्टार्ट किया, फिर बंद, फिर से बंद एकदम फुल टैंक, फिर गैस धीरे धीरे जम रहा है। तो ठीक है अगर आप लोग गाड़ी को कम चलाते तो टैंक कभी भी फुल करके मत चलाइएगा, मतलब कम चलाते उसको टैंक कभी भी फुल मत कीजिएगा, उसको जब आप निकलेंगे तब फुल करेंगे। और अभी पता नहीं इसको टैंक तो फुल करूंगा नहीं, जितना दिख रहा है कभी सर्विस में जाएगा फिर एकदम टैंक खाली खाली ही रखूंगा। आई थिंक सूरज का वो आ रहा होगा सन, इधर आ जाते इधर थोड़ा साइड हो जाते तो इससे ये सीख मिलता है भाई क्या ही डेंजर होता है। रात को 12 बजे आप समझ रहे होंगे, पूरा 11 बजे तक हम इतना गर्मी दे रहा था, 11 बजे तक इधर ही बैठा था, मतलब बाहर चेयर है ना दिख रहा है क्या, बाहर चेयर है उधर ही बैठा था कल 11 बजे। फिर 11 बजे से खाना खाने गया, फिर 12 बजे रात को भाई सोने गए, धीरे धीरे फैन चल रहा है ऊपर, खिड़की खुला था गर्मी था भाई, पूरा सेंट आ रहा है। हम तो घर गए ना भाई, क्या पेट्रोल का सेंट क्यों आएगा, एक होता है ना भाई पेट्रोल का सेंट क्यों आएगा। फिर देखा ऐसा हाल भाई, कभी भी टैंक फुल मत कीजिएगा, फिर करने से भी आपको गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा या फिर चलाइएगा। तो अभी पता नहीं अभी क्या करेंगे, पहले इसको सर्विस करेंगे फिर उसका अगर टैंक तो फुल कम चलता है, फिर ब्लैक वाला भी वापस आएगा तो उसको ही चलाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि इसको सामान लाने के लिए मन नहीं करता यार। नया गाड़ी नया तो है नहीं लेकिन ख़रीदा नया, ये देखिएगा इसको इतना कम यूज़ किया है, जो उसका पहला किए उसको ही कुछ नहीं हुआ है, इसका इसको ही अब तक यूज़ कर रहा है इसको ही कुछ नहीं हुआ है, एकदम नया है अभी ये पुराना, मतलब फर्स्ट की नया वाला तो कोई खोला ही नहीं, ये अभी तक इसको ही कुछ नहीं हुआ है। तो समझिए इसको चलाते ही नहीं है, इसको बस थोड़ा मैं भगाता हूँ, मतलब थोड़ा ले जाता हूँ और थोड़ा सर्विस करता हूँ, मतलब सर्विस मतलब थोड़ा ब्लॉग बनाता हूँ, इसको लेके जाता हूँ और कभी कभी दूसरा भी लेके जाता हूँ। तो इसी की भाई ये तो भयंकर हुआ भाई इस कल रात को, भाई ये ऐसा मत करना भाई, पेट्रोल फुल मत कीजिएगा और इसको मतलब चलाते रहिएगा, स्टार्ट करते रहिएगा तभी गाड़ी सही रहेगा। या फिर एक काम कर सकते ना, अगर कहीं आपको जाना है तो एक बार वो जो है ना डिग्गी मतलब वो पेट्रोल का टंकी का खोप उसको एक बार खोल लीजिएगा, क्या होता है गैस बना हुआ है उसको एक गैस रिलीज हो जाएगा, जब खोलेंगे तो अपना चेहरा थोड़ा दूर रखिएगा क्योंकि ऐसा निकलेगा ना। तो स्टार्ट करने या फिर कुछ दिन बाद ये आपका टंकी खोलना होगा, अब से मैं वही करूँगा भाई, एक बार टंकी तो खोलूँगा ही कि पेट्रोल से ही गैस ना बने। ऐसा नहीं इसमें हम बस प्रीमियम ही भराते, पता नहीं स्कूटी में प्रीमियम भराते या नहीं, लेकिन भराने से कुछ नहीं होता ना प्रीमियम, पापा हमेशा इसको प्रीमियम भराते थे और हम भी इसको प्रीमियम ही भराता है और भराता रहेगा प्रीमियम ही, और ये कम ही चलेगा गाड़ी, ये मतलब पापा का बहुत ही दुराला है क्या बोलते हैं इसको, प्यारा गाड़ी है। क्योंकि हम लोग का जो ब्लैक स्कूटी है वो भी सेकेंड हैंड खरीदा था और अपना डोरो भी जो था अभी नहीं है वो भी सेकेंड हैंड ही खरीदा था, लेकिन वो हम लोग का पहला तो नहीं, पहला हम लोग का RX 100 जो होता है ना वो है। फिर उसको मनी प्रॉब्लम की वजह से उसको सोल आउट किया, फिर थोड़ा कुछ करने के बाद डोरो ख़रीदा, उससे बिजनेस ग्रो हुआ थोड़ा, फिर मतलब शॉप में थोड़ा वो मिला, फिर ये ख़रीदा। तो ये पापा का बहुत फेवरेट है, हम ही चलाते, देखिए ना आप लोग कितना मीटर कब है क्योंकि ये अभी तो 7 भी आ गया होगा, एक्टिवा 7G ये तो 5G है,
5G है लेकिन ये चला ही नहीं भाई, खतरा है ये तो भाई, बहुत ही अलग है। तो पता नहीं, ये तो बहुत मज़ेदार है। तो वही बोला अभी ये फिर से सर्विस जाएगा, अभी देखते क्या होता है। जैसे मैंने थोड़ा चला के आया, वो उसको घर से भी निकाला वो, और रूम से निकलने के बाद घर से थोड़ा चलाया अभी, और अभी ठीक चल रहा है। क्योंकि सुबह आया था, कल सुबह आया था मैकेनिक हम लोग के इधर गई, वो ठीक करके गया और टंकी खोल के रखा, मतलब फ्यूल है नहीं एकदम तीसरा। मतलब सुबह उठ के देखा भाई, बाढ़ पानी आ गया, मतलब क्या बोले, इतना पानी, मतलब पेट्रोल था। फिर बहुत ही इंसिन हुआ था, अभी वो तो ब्लॉग नहीं बनाया भाई, इतना नेक्स्ट में इतना भी प्रो ब्लॉगर नहीं हुआ कि कुछ भी हो जाए मैं शूट करूँ। लेकिन उसे ये बोलना ज़रूरी था क्योंकि ऐसा हादसा हो भी सकता है, इससे टाल भी सकता है। इसलिए जो जो अब गाड़ी नहीं चलाते ना, उसको टैंकी फुल करके मत रखिएगा, सीधी सी बात है। और अभी सर्विस होगा, बस जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो भी पहले उसको आने दो, ब्लैक वाला एक्टिवा को, वो आएगा कुछ दिन में, मतलब कुछ दिन में नहीं, दो दिन में लाने जाना तो होगा ना। पहले उसको सर्विसिंग में मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आ गया इसको, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ गया ना आज कैसा सा, तो आज हम बोलेंगे कि ठीक है गाइज, अगर फिर मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। क्या पता नहीं कब इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा, आज इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।